राजस्थान के चुरू लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया ने आज अपना नामांकन दाखिल किया व नामांकन के बाद एक विशाल जनसभा का भी आयोजन चुरू के पुलिस लाइन मैदान में हुआ, जिससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट व राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे, चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता एक साथ मंच पर देखने को मिले। व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार ने झूठे जुमलों के सिवा जनता के लिए और कुछ नहीं छोड़ा। आने वाला समय कांग्रेस का है, जिसमें राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। वहीं नामांकन सभा की खास बात यह रही कि भाजपा के पूर्व मंत्री राम राजकुमार रेडवा को मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस का दुपट्टा पहनाकर कांग्रेस में शामिल किया। पूरे देश को कांग्रेस की जरूरत है, इस बात का एहसास हर व्यक्ति को होना चाहिए। आज भी मैं चुनाव लड़ा रहा हूं, इस पांच सीटी के नाम पे लोग सबक सिखाएंगे बीजेपी को। मैं कह सकता हूं इस प्रकार के बुलेट ट्रेन सूरत से चलेगी बॉम्बे तक, बुलेट ट्रेन 1,50,000 करोड़ की बुलेट ट्रेन जापान के प्रधानमंत्री लाए गए, वो अभी सपने बना हुआ 2,00,000 एकड़ में बैंकों में माफ कर देगी, हमने कह रखा है। 5,00,000 बिजली के दर भी बढ़ेगी, हमने कह दिया। 1,00,000 बिजली कनेक्शन दे रहे हैं किसानों को, काम चालू जून तक पूरा हो जाएगा। बंदी के इस देश को क्या फायदे हुए हैं, GST को लागू करने के इस देश को क्या फायदे हुए हैं, सेना सेना को ये भी बताने के लिए तैयार नहीं है। ये सेना के नाम पर वोट तो मांगते हैं, लेकिन साथियों ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि इस 5 सालों में और उससे पहले पिछले 10 सालों में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, इनमें सैनिक। जी सर, जीत के लिए पर्चा भरा है, क्या कहेंगे इस बारे में? जी सर, जीत सुनिश्चित है, कांग्रेस की लहर है और आम जन ने बना लिया है कि चूरू लोकसभा क्षेत्र को बीजेपी से मुक्त कराना है और वो करके रहेंगे। जी सर, आज मुख्यमंत्री भी आएंगे किसी तरह की क्या देखते हैं, क्या कुछ कह करके जाएंगे यहाँ पे, और कौन कौन नए आदमी आज जुड़ने की संभावना है? जुड़ने का काम तो जब मुख्यमंत्री जी आएंगे तब पता चलेगा किसको कहाँ जोड़ना है, कहाँ नहीं जोड़ना है। और मुख्यमंत्री जी आएंगे और उनका जो आपको भाषण सुनने को मिलेगा वो क्या कहना चाहते हैं आम जन को, वो आप सुनना। आज कांग्रेस में काफ़ी लोग शामिल होंगे या घर वापसी मांग सकते हैं उनकी, तो कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो? देखो, वक्त के हिसाब से काम करेंगे और शामिल होने वाले क्या करने वो हमारे नेता आके तय करेंगे कब किसको शामिल करना है, वो उनके आने के बाद ही तय होगा। राजस्थान की यदि जीत की सीटें माने तो कितनी? 25 सीटें राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की आएगी, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। TV1 इंडिया न्यूज के लिए रिजवान बागोट की रिपोर्ट, चूरू राजस्थान।